सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने नियमित डॉक्टर से सलाह लेने की याचिका दायर की थी। दिल्ली की कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर गुरुवार को ईडी ने अपना जवाब कोर्ट में दिया है। ईडी ने दावा किया है कि वो मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें जमानत मिल जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा किया सीबीआई और ईडी मामले के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष किया, जिन्होंने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल के आहार चार्ट सहित मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा, डाइट चार्ट अदालत के सामने रखा गया है। डाइट चार्ट में आमतौर पर मिठाइयाँ थीं, हमने इसे अदालत के सामने रखा है। वो विशेष रूप से मीठा भोजन खा रहे थे, जिसकी किसी भी मधुमेह रोगी को अनुमति नहीं है। ईडी ने अदालत को बताया, टाइप 2 मधुमेह होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल उच्च चीनी सामग्री वाले भोजन खा रहे हैं। वो रोज़ाना आलू पूरी, आम, मिठाई खा रहे हैं। ये चिकित्सा जमानत के लिए आधार बनाने के लिए किया जा रहा है। पूरे मामले पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से केजरीवाल की डाइट रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अब कल शुक्रवार 19 अप्रैल को सुनवाई होनी है।